ऑनलाइन जमाने के इस दौर में हर कोई कैशलेस होकर चलता है। जब से ऑनलाइन पेमेंट का सिलसिला शुरू हुआ है, तब से हर कोई छोटी से छोटी चीज लेने के लिए ऑनलाइन पेमेंट ही करता है। तो वहीं आज के दौर में UPI सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि और देशों में भी इसका जमकर यूज हो रहा है। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए जर्मनी के डिजिटल एवं परिवहन मंत्री वॉल्कर विसिंग ने इसे भारत की सफलता की कहानियों में से एक करा दिया। वॉल्कर विसिंग ने UPI का इस्तेमाल कर आसानी से होने वाले पेमेंट का एक्सपीरियंस लिया और इतनी आसानी से पेमेंट होते देख वो खुश हो गए। बता दें कि भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI में दुनिया के देश इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। आसानी से डिजिटल पेमेंट होने के कारण दुनिया इसे अपनाना चाहती है। सिंगापुर, UAE, नेपाल, भूटान, फ्रांस और श्रीलंका वो देश हैं जिन्होंने UPI पेमेंट सिस्टम को अपनाया है। तो वहीं इसका अच्छा खासा उदाहरण भी देखने को मिला। जर्मनी के केंद्रीय डिजिटल परिवहन मंत्री वॉल्कर विसिंग ने UPI का इस्तेमाल कर आसानी से होने वाले पेमेंट का एक्सपीरियंस किया। दरअसल वॉल्कर किसिंग ने बेंगलुरु में G20 डिजिटल मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया और अगले दिन रविवार को बेंगलुरु की सड़कों पर निकल पड़े। यहां उन्होंने एक सब्जी मंडी में सब्जी खरीद कर इसका पेमेंट UPI के जरिए किया। सब्जी खरीदते हुए जर्मनी के मंत्री का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। UPI यूज करने के बाद उन्होंने कहा कि ये बहुत यूजर फ्रेंडली था और मैं इस बात से हैरान था कि लेन देन कितनी जल्दी हो गया। उन्होंने UPI की सुरक्षा सुविधाओं की भी तारीफ करते हुए कहा कि ये बहुत सेफ है और मुझे भरोसा है कि मेरा पैसा भी बिल्कुल सेफ है। एक बार फिर देखिए जर्मनी के मंत्री का UPI से पेमेंट करने का वीडियो। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।